Listen, whatever happened, it was in my past. But you have to let it go. तुम मेरे माजी को लेके हमारे प्रेजेंट को खराब नहीं कर सकते। Okay, I admit I was involved with that. लेकिन मैंने शादी के बाद छोड़ दिया सर। मेरे लिए तुम्हारे बगैर घर का तसव्वुर नहीं है। You have to forget it and forgive me. I cannot change my past. और इतनी छोटी सी बात को लेके तुम हमारे घर को कैसे खराब कर सकते? छोटी छोटी सुराख अक्सर बड़े बड़े जहाज डुबो देते हैं। जिस रिश्ते में एतबार ना रहे उसमें पीछे बाकी कुछ भी नहीं रहता। क्योंकि मुझे एक प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए। अगर आप मुझे घर नहीं छोड़ेंगे तो मैं क्या आप रिक्शा से चली जाऊंगी। और एक बात, मुझे आइंदा इस नाम से मत पुकारिएगा। मेरा नाम शर्मीन है। ना, खाना दो मुझे जरा जल्दी से। आप इतने जल्दी आ गए आज? नहीं तो क्या, अब मेरे घर पे जल्दी आने पर भी पाबंदी है? या मेरी गैर मौजूदगी में अपनी बहन की तरह। हमीद, इससे आगे एक लफ्ज भी और मत कहिएगा। नहीं तो क्या? हाँ क्या? खाना तैयार नहीं अभी। तो तुम सारा दिन घर पे करती क्या हो? कम से कम झूठ नहीं बोलती, धोखा नहीं देती। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ मैंने कौन सा झूठ बोला है? ये मुझसे ज्यादा बेहतर आपको खुद पता होगा। आप अपने दिल में रोशन है। पुप्पू, वो अदनान ने खाना खाया था? क्यों, तुम्हें कब से फिक्र होने लगी उसकी? वैसे ही पूछ लिया था। शर्मीन, तुम अपनी अंदर की औरत से हार रही हो। कब तक भागोगी खुद से? वो आप ऐसे ही पता नहीं क्या क्या सोच रही हैं। ये तो नॉर्मल मॉरल वैल्यूज होती हैं। ऐसे ही पूछ लेता है कोई भी किसी के बारे में। अगर मेहमान आके रह रहे हो तो उनके खाने पीने का ख्याल तो करना ही पड़ता है। अपनी अना के हिसार को तोड़ दो, तोड़ दो। मैं अना की गुलाम नहीं हूँ पोपो, बात कुछ और है। वो तो छोटी सी बात है, जरा बराबर भी उसकी अहमियत नहीं है। हो सकती है बात छोटी, पर कभी कभी ना दिखने को तो पहाड़ भी नहीं दिखता। और अगर दिखना हो तो उस पहाड़ पे चलती हुई चूंटी भी दिमाग में चिपक सी जाती है। तुम्हारे फलसफे मुझे समझ नहीं आते। मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। बाहर कपड़े फैलाए थे, उठा लेना, शायद बारिश। मगर पुप्पू आती होगी।